बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बता दें, जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम को फिलहाल बिहार के 8 जिलों के 40 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। इन 40 गांवों में इस परियोजना की सफलता के बाद इस प्रोजेक्ट को बिहार में लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव छोटे सीमांत और लघु किसानों के ऊपर पड़ रहा है। बता दें, जलवायु परिवर्तन एक विश्वव्यापी समस्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले कुछ वर्षों से कृषि पर इसका प्रभाव साफ नजर आने लगा है। जहां वर्षापात में काफी कमी आई है और मौसम का व्यवहार अत्यंत असामान्य हो गया है, इसको लेकर पराली जलाने से किसानों को रोकने के लिए अब बिहार सरकार पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाएगी। इससे तुम्हारा खेत को फायदा हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात। खेत का नुकसान है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं क्या क्या प्रचारित करते हैं, इसलिए हम लोगों को एक अभियान के तौर पर भी इसको चलाना है। तो फसल अवशेष को लेकर जो हम लोगों ने अभियान चलाया, इसको भी हम लोगों ने अंग बना दिया है जल जीवन हरियाली अभियान। और जो मौसम के अनुकूल कृषि है और उसका जो फसल चक्र है, उसके लिए जो 8 जगहों पर अब ये काम हो रहा है और इसको पूरे बिहार में लागू करना, लोगों को प्रेरित करना। और उसके बाद हमने देखा कुछ साल पहले कि यह सिलसिला शुरू हुआ अपने यहाँ रोहतास और कैंपुर, हमने सबको करना शुरू किया कई वर्ष पहले कि भाई ये देखिए ये ठीक काम नहीं। अब लास्ट ईयर तो हम लोगों ने यह तय कर लिया और इस साल कि भाई ये बहुत है। और इस पर मुझे खुशी है कि कृषि विभाग ने बड़ा अच्छा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी किया कि जो फसल अवशेष उसका प्रबंधन किस तरह से होना चाहिए। और मुझे खुशी भी देख करके कि उस कार्यक्रम में पंजाब और हरियाणा से भी लोग आए, दुनिया के 7-8 मुल्कों से लोग आए हुए और सारे लोगों ने चर्चा की। और उसके बाद बिहार में हम चाहते हैं कि लोगों को प्रेरित करें, लेकिन उसको क्या कीजिएगा, ये कंबाइन हार्वेस्टर का भी प्रयोग होता है और बिहार में भी 1300 कंबाइन हार्वेस्टर है। वो जरा ऊपर से ही काटता है, नीचे छोड़ देता है, झुका रहता है, उसके बाद उनको लगता है कि इसको हम काटें, काटने वाला मजदूर नहीं है, ऐसे भूसा बनता था भाई। आज भी अब ठीक है कि पहले जैसे जितना जानवर होता था नहीं, बैल पहले बहुत रहता था। अरे भाई कम से कम गाय या भैंस तो है ना, और उसकी संख्या तो हम लोग बढ़वा ही रहे हैं ना, तो इसलिए। लेकिन अब फिर भी पता नहीं क्यों दिमाग में बात आ जाती है। अब असल जो कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के पंजाब से आया, अब वो कंबाइन हार्वेस्टर चलाने वाले लोगों ने जो सलाह दे दिया लोगों को, हमको लगता है उसी से प्रभावित होकर लोग करते हैं। अब पिछले साल तो हम देखे कि पटना जिला में, नालंदा जिला में शुरू, अब इस बार हम आपको क्या बताएं, अब नॉर्थ बिहार के भी कुछ जगहों पर हम देखते हैं, बहुत बुरा लगता है। चुनाव का जो दौर चल रहा था समय तो रबी खत्म हुआ था उसके बाद का, अब आजकल खरीफ के बाद का, तो कई जगह हम देख रहे हैं। जो हमारे साथ रहते हैं उनको सबको दिखाते हैं कि देख लीजिए, अगर लोगों का मोबाइल रहता ही हमें ले लीजिए मोबाइल पर फोटो आता तो सबका मोबाइल है, अब तो टेलीविजन भी मोबाइल पर चला रहा है, तब कहते हैं ऊपर से कि ले लीजिए मोबाइल पर, ये पता चलेगा हम लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि फसल अवशेष को मत जलाइए, जलाने की बात पड़ रही है। अरे हम लोग हर तरह की मदद करेंगे। और जान लीजिए इसके बारे में हम लोगों ने अभी हमारे कृषि विभाग ने यह प्रस्ताव लाया, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी कि जो इससे आप राहत आपको मिलेगी, 3-4 बात बता देते हैं हम। बुआई के लिए हैप्पी सीडर और जीरो टीलेज मशीन, अभी जीरो टीलेज का ही दिखा रहे थे और आपको हैप्पी सीडर का, तो बुआई के लिए वो दो, उस दो प्रकार की मशीन। फसल अवशेष को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खेत में बिछाने के लिए एक होता है रोटरी मल्चर, ये दूसरा यंत्र है। तीसरा है
फसल अवशेष को इकट्ठा करने के लिए स्ट्रॉ रीपर और स्ट्रॉ बेलर, और चौथा फसल काटने एवं बंडल बनाने के लिए रीपर कम बाइंडर यंत्र। ये चार प्रकार के यंत्र है इसको प्रचारित करते हैं। अब इसको अगर हम लोग प्रचारित करेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी, तो सब के सब उसका फसल अवशेष का सदुपयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार के यंत्र को खरीदने के लिए हम लोगों ने दिया है अनुदान, दे दिया है 75%। अब आप सोच लीजिए, और अगर कोई खेती में लगे हुए हैं और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं और अति पिछड़े वर्ग के हैं, उनको 80%, तो आप सोच लीजिए कि हम लोग अनुदान इतना देने को तैयार है भाई, और जरूरत पड़ेगी तो हम और पढ़ाएंगे, लेकिन लोग स्वीकार तो करें। अब ऐसा कैसे कि इतना बड़ा सम्मेलन देश में हो रहा है, हम लोग हर जगह कह रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो जला नहीं।